जय जय श्री हरिवंश। आज राधा वल्लभ संप्रदाय के एक बड़े पावन स्थान के बारे में जानकारी लेकर जो है मैं आप सबके सन्मुख जो है वो आया हूँ। ये स्थान है मदनटेर। कहते कि महाप्रभु श्री त्रिवेंद्रजन जी महाराज श्री जी की आज्ञा से जब देववन से चले और चिरथावल नामक ग्राम के अंदर उनको श्री राधा वल्लभ लाल जी का सुंदर शिव विग्रह मिला, तो जिस स्थान पर महाप्रभु जब वृंदावन आए और जिस स्थान पर महाप्रभु जी ने अपने संपूर्ण जीवन जो है श्री राधा वल्लभ लाल जी को लाल लड़ाया है वो स्थान है मदनटेर। 1506 ईस्वी के अंदर महाप्रभु जी जो है वो इस स्थान के अंदर आए हैं और यहाँ पर एक स्थान है जिसे ऊंची ठोर कहा जाता है। वहीं एक वट वृक्ष है, उसी वट वृक्ष की छाँव के अंदर अपने संपूर्ण जीवन जो है वो महाप्रभु जी ने वहीं पर राधा वल्लभ लाल जी को लाल लड़ाया है। और ये एक पावन दिव्य स्थान है जो आज भी महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज की अनेक स्मृतियों को अपने हृदय के अंदर धारण करके बैठा है। अनेक साधु संतों की, अनेक रसिकों की पावन रज से यहाँ की भूमि अलंकृत है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आप एक हितोपासक हैं, एक रसोपासक हैं और महाप्रभु के उस दिव्य अनुभूतियों को आज भी अपने जीवन के अंदर अनुभव करना चाहते हैं तो आप मदनटेर अवश्य जाइए। ये स्थान बड़ा पावन स्थान है। चित्रपट के रूप के अंदर आज भी महाप्रभु श्री हरिवंश जी महाराज आज भी वहाँ पे विराजमान है। यहाँ की प्रत्येक प्रत्येक लता के अंदर से आज भी आपको उस हरिवंश नाम के दिव्य मधुर जो है वो ध्वनियाँ आएंगी। बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीय स्थान है, बड़ा दिव्य स्थान है और एक हितोपासक को ज़रूर यहाँ पे जाना चाहिए। कालिंदी की कूल के अंदर आप जब जाओगे परिक्रमा मार्ग के अंदर ये दिव्य स्थान है। कालियाघाट से थोड़ी आगे ही जाएंगे तो बाएं हाथ के ऊपर ये बड़ा स्थान है। आप अगर वृंदावन आओ तो मदनटेर जो है वहाँ पे ज़रूर जाइए और ऊंची ठोर जो जगह है जहाँ पे राधा वल्लभ लाल जी को स्थापित किया था उस स्थान पर अपना नतमस्तक आप अवश्य होइए। जय जय श्री राधे राधे, प्रणाम।